पेश है मुमरा का आलीशान ढाबा, जहाँ का स्वाद आपको छू जाए और आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ यहाँ पर क्वालिटी टाइम बिता सकते। स्पेशल डिश में पाए चिकन अचारी ड्राई, चिकन हाउसिंग ड्राई, सलोनी ड्राई, हफ्सा राइस और भी लजीज पकवान, बेवरेज आइसक्रीम और फालूदा, फ्री होम डिलीवरी। इसके अलावा दस्तरखान, फैमिली रूम, वलीमा और बर्थडे सेलिब्रेशन स्पेस अवेलेबल। तो आज ही आए आलीशान फैमिली ढाबा। एमडी की वजह जितेंद्र आवाड़े, आप लोग पूरे तरीके से जो है यहाँ के जो विधायक है उनको घेरने की तैयारी में लगे हुए हैं। घेरे में आ गए लोग। जितेंद्र आवाड़ जो है एक उसकी राजनीति है ना, उसी अपने अपना पेट भरने की राजनीति है बस। जितेंद्र आवाड़ की वजह से उन्होंने राष्ट्रवादी छोड़ी और जितेंद्र आवाड़ बहुत गंदा आदमी। वहाँ पर मीटिंग चल रही उसमें मुमरा कलवा के जो नगर सेवक है वो ज्यादातर नजीब भाई और अजीत दादा के साथ है। तो पाब्लो एस्कोबार और जितेंद्र आवाड़ में कोई फर्क नहीं है। मौका मिलेगा तो मैं चौका जरूर मारूंगा। मुमरा वालों का बाप समझ रहा था जितेंद्र आवाड़ अपने आप को। कुछ लोगों को अपने अपने बाप नहीं, इसके लिए उसको बाप बना के बैठे। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति चल रही है और आज कहीं ना कहीं जो है अजीत पवार और शरद पवार दोनों ही एनसीपी पार्टी के जो गुट है ये अपना शक्ति प्रदर्शन जो है मुंबई में दिखा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुमरा की अगर हम बात करें तो मुमरा में भी जो एनसीपी के कलबा मुमरा के विधायक है जितेंद्र आवाड़, कहीं ना कहीं इन्हें भी घेरने की तैयारी जो है अब शुरू कर दी गई है। मुमरा विकास आघाड़ी का जो है पंजीकरण किया जा रहा है और ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि इसमें एनसीपी के भी कुछ नगर सेवक जो है शामिल है। हमारे साथ मौजूद है राजन दादा कीने साहब, उनसे बात करेंगे। मुमरा विकास आघाड़ी ये जो है बताया जा रहा है कि पंजीकरण इसका होने वाला है, कितने दिन में ये पंजीकरण हो जाएगा? नमस्कार, मैं राजन कीने, मुमरा कलवा विकास आघाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन होने जा रहा है उसका स्क्रूटिनी हो चुका है और समझो ना कि 8 दिन अधिकारियों ने बताया बातचीत होने के बाद तो उन्होंने बताया, लेकिन हम लोग 8 दिन के बजाय 15 दिन महीना सोच के चल रहे कि महीने भर में हमारा जो रजिस्ट्रेशन है मुमरा कलवा विकास आघाड़ी का वो आना चाहिए, हो जाएगा। और ऐसा बताया जा रहा है कि एनसीपी के जो नगर सेवक थे अभी पूर्व नगर सेवक हो गए वो जो है 8 से भी ज्यादा नगर सेवक जो है इसमें शामिल। क्या है कि जितेंद्र आवाड़ जो है एक उसकी राजनीति है ना, उसी अपने अपना पेट भरने की राजनीति है बस और कुछ भी नहीं है। अभी मैं 2009 में उसके सामने इलेक्शन लड़ा था, लेकिन 2016 में मैं उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर, सबसे बड़ा विरोधी होने के बावजूद भी मैं उसको सरेंडर हुआ। लेकिन उसने मेरे को 5 साल में, इससे पहले भी मैंने ये बात कही है, लेकिन उसने 5 साल में मेरे को इतना डैमेज करके किया उसका हिसाब नहीं है। लेकिन आज उसने जो किया है वो समझो, अभी अजीत दादा गए आज महाराष्ट्र की राजनीति आप देखेंगे तो अजीत दादा ने भी कहा कि थाना में इन्होंने डावकरे साहब से लेकर निरंजन डावकरे, प्रताप सरनाईक, किशन कथोरे, ऐसे बहुत जो दिग्गज लोग थे राष्ट्रवादी के, इनकी वजह जितेंद्र आवाड़ की वजह से उन्होंने राष्ट्रवादी छोड़ी और इसका उन्होंने बहुत इसकी वजह यह है कि जितेंद्र आवाड़ बहुत गंदा आदमी। वजह क्या रहती है आखिर, ऐसा जितेंद्र आवाड़ करते क्या है कि लोग जो है खिलाफ हो जाते हैं और अब गंदा बोल रहे हैं? गंदा किस हिसाब से, क्या कर गंदा इस हिसाब से कि वो खुद को आई एम समथिंग, लेकिन वक्त एक ऐसा आता है समथिंग इज नथिंग, तो उसको ये सोचना मांगता है कि हर चीज में वो अपना खुद को मैं आई एम समथिंग। अरे ऐसा नहीं होता है, किसी को विश्वास में लेके आज आप देखिए एक आनंद परांज पे जो अभी भविष्य में ऐसा नहीं बोल सकते लेकिन कभी भी कहीं भी चुनके आने के लिए उसके संकेत नहीं है। अभी वो नगर सेवक तो नहीं लड़ सकते लेकिन लोकसभा या विधानसभा कहीं भी लड़ने के संकेत है तो वो चुन के नहीं आ सकते। लेकिन जितेंद्र आवाड़ को छोड़ना बोले तो उसके लिए एक है, ये है ना कि जितेंद्र आवाड़ को छोड़ के चला गया राष्ट्रवादी में और भविष्य में आप देखेंगे राष्ट्रवादी के नगर सेवक यहाँ के जो है वो अभी वो तो है ही नहीं, वो तो सब लगभग मेरे हिसाब से अजीत दादा के साथ में अभी सब जितेंद्र आवाड़ की तरफ से
फोन कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आओ आओ मीटिंग में, लेकिन आप अभी देखेंगे जो वहां पर मीटिंग चल रही है उसमें मुमरा कलवा के जो नगर सेवक है वो ज्यादातर नजीब भाई और अजीत दादा के साथ में है। यानी जितेंद्र भाट के साथ में नहीं, जितेंद्र आवड़ के साथ में अभी जो रहेंगे चिरी मिरी जो उनके जो विकेट कीपर होंगे वही होंगे, बाकी तो कोई नहीं होगा उनका, उनके साथ में जो जिनको जो झेलने का काम रहता है वही उनके साथ में, बाकी तो मैं ऐसा दिखता नहीं। अभी आप देख रहे कि तीन चार दिन से टीवी पे आ रहे उनके पीछे वो दो चार है वो उनके। अच्छा, आठ लोगों का जो है कंफर्म बताया जा रहा है कि मुमरा विकास आघाड़ी में एनसीपी के आठ नगर सेवक है, तो उनके नामों का आप खुलासा करें कि कौन कौन है वो? मैं नामों का खुलासा वो तो ये है ओपन ही है, वो खुलासा करने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, ओपन तो ओपन नाम करेंगे जब हमारा पंजीकरण रजिस्ट्रेशन आ जाएगा और जब बाकायदा हमारे ऑफिस का आघाड़ी के ऑफिस का ओपनिंग होगा उसके उसी दिन आपको पूरा पता चलेगा कि हमारे साथ में कौन कौन है और पूरा एकदम ये होगा। अभी कोई भी ऐसा किताब को खोलना अच्छी नहीं है। और भी लोग टच में है एनसीपी, बहुत सारे एनसीपी के बहुत सारे लोग टच में, और एमआईएम है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस के है। अभी अभी भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग हमारे टच में होने के बावजूद भी वो अभी एनसीपी में रहेंगे क्योंकि उनको अजीत दादा जैसा नेता मिला है, उनको हम लोग फोड़ने की भी कोशिश नहीं करेंगे हमारे साथ में हो या जोड़ने की भी कोशिश नहीं करेंगे हमारे साथ में आओ आघाड़ी में आओ, लेकिन भविष्य में वो जितेंद्र आवड़ के साथ नहीं जाना चाहेंगे, वो एक बार अजीत दादा के साथ में जाएंगे लेकिन जितेंद्र आवड़ के साथ में नहीं जाएंगे क्योंकि जितेंद्र आवड़ ने अभी ठीक है वो मुमरा वालों की मेहरबानी है कि मुमरा वालों ने उसको 2000 में आमदार बना के यहाँ पर वो अपने सर के ऊपर बिठा के लिया, वही उसने मुमरा वालों के सर के ऊपर लाके टोरंट रख दिया, बहुत सारी ऐसी चीजें समझो, यहाँ पर कभी एमडी बिकता नहीं था एमडी लाके उन्होंने यहाँ पर ये कर दिया कि एमडी की वजह जितेंद्र आवाड़ है। मैं तो उनको एक ही बात बोलूंगा कि आप अभी कभी अगर देखेंगे एक नार्कोस करके एक मैं इसमें मेरे को देखने में आई थी जब लॉकडाउन था तो उसमें मेरे को एक वेब सीरीज देखने में आई थी मेरे देखने में नार्कोस, उसमें एक कैरेक्टर है जो ड्रग डीलर है उसका नाम है पाब्लो एस्कोबार, तो पाब्लो एस्कोबार और जितेंद्र आवाड़ में कोई फर्क नहीं है, आप वो कैरेक्टर देख लीजिए वो ये देख लीजिए अपना क्या बोलते हैं उसको वेब सीरीज, आपको ध्यान में आएगा कि जितेंद्र आवाड़ उसके इसमें कोई फर्क नहीं है। इसे आप लोग पूरे तरीके से जो है यहाँ के जो विधायक है उनको घेरने की तैयारी में लगे हुए हैं, तो जो महानगर पालिका का चुनाव आएगा उसमें तो आप जो है उनके घेराव करेंगे, लेकिन जो विधायक की चुनाव आएगी उसमें किस तरह से आपकी घेराव रहेगा? हम क्या घेराव करेंगे इतने बड़े आदमी का, वो तो एकदम दिग्गज, हम क्या घेराव करेंगे, वो अपने खुद के घेरे में आ गए है, वो उसको हम क्या घेरेंगे, वो खुद के घेरे में आ गए है, वो सब शेख अपना देख वाला हिसाब रखता है उसको, चार नगर सेवक तो तेरे साथ में इतने लोग है, इतने 18 नगर सेवक है, उन लोग के बारे में कभी सोचा तूने कि नगर सेवक क्या कर रहे हैं? आज के तारीख में अगर देखने जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि आमदार या खासदार जितना लोगों से कनेक्टेड नहीं होता है उतना नगर सेवक होता है, क्योंकि जैसा बोलते गटर नाले पानी लाइट ये सब चीजें है, ये जो मुद्दे ये नगर सेवक ही उसको ये करता है सॉल्व करता है, तो ये सब चीजें है हम लोग घेरेंगे विधानसभा में भी। विधानसभा चुनाव में ये जानकारी मिली कि आप खड़े होने वाले हैं उनके सामने? देखो मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ कि मौका मिलेगा तो मैं चौका जरूर मारूंगा। अभी मुमरा वालों ने जो एक उनको ये किया था आज मुमरा वाले ही आज उसको कंटाल गए ले। आप देखेंगे कि पिछला 2017 का जो चुनाव हुआ उसमें अगर हम नहीं रहते तो इतना लीड भी नहीं मिलता था, क्योंकि वो मेरे ऊपर मेरे को शक के घेरे में रखते थे कि राजन के ऊपर नजर रखो अनिता के ऊपर नजर रखो, लेकिन उनके जो नवरत्न थे वो नवरत्न के बजाय हमारे जो वार्ड थे उसमें हमारे वजह से ज्यादा लीड मिला है, जिसको 2009 में कभी लीड नहीं मिला वहां पर 2014 में कभी लीड नहीं मिला वो वार्डों में हमारे उनको ये 2019 में लीड मिला उसको, तो मैं समझता हूँ कि अभी उसके सामने जो उम्मीदवार थे हमारे आम आदमी पार्टी के दलजी साहब तो उन्होंने 32,000 वोट लिए उनके सामने,
तो वो 32,000 मेरे को 2009 में 19,600 मिले थे, तो वो उस वक्त 2009 में 19,600 लोग मिले, तो 20,000 लोग विरोध में थे जितेंद्र रावत के, लेकिन आज 32,000 लोग विरोध में। सोचने वाली बात है ना, अगर जितेंद्र रावत इधर काम करता है, यहाँ पर लोगों के लिए कुछ करता है, तो इतने 32,000 लोग 2019 में क्यों उसके खिलाफ गए? हेलजी साहब का कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई एमआईएम का सपोर्ट मिला था, एमआईएम का सपोर्ट मिला था, लेकिन वो एमआईएम के लोग भी दावा कर रहे हैं कि जो वोट मिला था वो एमआईएम का था। एमआईएम में लोग क्यों गए और दूसरे पार्टी में क्यों गए? ये 2009 में जितेंद्र रावत ना ये खुद को ऐसा सबका बाप बन के आया था यहाँ पर। यहाँ पर जितेंद्र रावत जैसा बोलता है ना, सबको बोलता है ना बाप बदल रहे, वैसा वो खुद को ना सबका मुमरा वालों का बाप समझ रहा था जितेंद्र रावत अपने आप को। लेकिन आप देखेंगे रौफ लाला है, अजीज बाटा है, नईम खान साहब है, और ऐसे बहुत सारे मुमरा के है, बहुत सारे और नाम गिना सकता हूँ। ये इनको मालूम पड़ा कि जितेंद्र रावत अपना बाप बनना बन रहा है, इसके लिए इन्होंने छोड़ दिया। बाप बदलने की बात नहीं, उनके अपने खुद के बाप है, तो बाप क्यों इसको बनाएंगे, बरोबर है ना? तो ये है कि जितेंद्र रावत यहाँ पर सबका बाप बनने आया था, और कुछ लोगों को अपने अपने बाप नहीं है, इसके लिए उसको बाप बना के बैठे। लेकिन अभी हमारे मुबीन सुरवे साहब है, ऐसे बहुत सारे जो कार्यकर्ता है, मैं कितने नाम गिना हुआ ऐसे के वो छोड़ के चले गए, बहुत दिग्गज कार्यकर्ता मुमरा के, राजू अंसारी साहब है, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े कार्यकर्ता है ना, जो नेता में जिनकी गिनती होती है, ऐसे लोग छोड़ के गए। तो इनको ऐसा एहसास होता था कि जितेंद्र रावत हमारा बाप बनना, लेकिन जब उनके अपने बाप है तो इसको क्यों बाप बनाए? राजन दादा, क्या माना जाए 2000 चुनाव का जो चुनाव आएगा उसमें कलबा मुमरा का विधायक कौन हो सकता है, आप या फिर जितेंद्र रावत? क्या मालूम है, क्या मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं विधायक रहूंगा, लेकिन 2024 में जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें कौन आमदार होगा ये नहीं बोल सकता, लेकिन जितेंद्र रावत इस कलबा मुमरा का विधानसभा का आमदार नहीं रहेगा, इतना मेरे दावे के साथ। यानी कि वो नहीं रहेंगे, आप हो सकते हैं या कोई और तीसरा भी, चौथा भी कोई रह सकता है, कोई भी रह सकता है, लेकिन जितेंद्र रावत इस विधानसभा कलवा मुमरा विधानसभा का आमदार नहीं कर, इतना दावे के साथ में कहता हूं। लेकिन ऐसा दावा कैसे कर सकते हैं आप, उनके भी चाहने वाले शहर में है, चाहने वाले है, लेकिन चाहने वालों की कितनी कमी हो गई, आप अभी मालूम पड़ेगा आपको, ये अजीत दादा ने जो किया है ना वो उसके बाद मालूम पड़ेगा। अभी अजीत पवार ने एनसीपी के कई दिग्गज नेताओं को जो है अपने साथ ले लिया, ऐसे में जो एनसीपी के जितेंद्र आवाड है इनको आखिर अपने साथ में क्यों नहीं लिया, क्या वजह रही? क्या है कि जितेंद्र आवाड, पहले ये तो बात क्लियर करता हूं कि दिग्गज तो है ही नहीं, वो खुद को बताता है कि मैं दिग्गज हूँ, लेकिन वो दिग्गज कहीं है नहीं। ये सब दिग्गज जो अजीत दादा है, छगन भुजबल, ये सब दिग्गज बोला जावे इनको, ये जितेंद्र आवाड दिग्गज है जो अपने अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ के किधर जाके ये नहीं कर सकता है, किधर एक ऐसे कोई चुनाव में आए ग्राम पंचायत का सदस्य चुन के मिला सकता है, उसको दिग्गज बोले जाते आप, उसको दिग्गज नहीं बोला जाता है, उसको कोई लेता, उनको अजीत दादा के साथ में क्यों नहीं जोड़ा गया? अजीत दादा ने सांगितलं ये ठाण्याचा पट्ट्या तू माझ्या बरोबर नको, तू पवार साहेबांबरोबर ला, क्योंकि उसको कोई लेता ही नहीं, इसके लिए वो बोलता है कि मैं पवार साहब का एक निष्ठ हूँ। अरे एक निष्ठ है ठीक है, लेकिन तेरे को कोई लेगा तो तू दूसरी जगह जाएगा ना, तेरे को कोई लेने वाला ही नहीं, इसके लिए तेरे को बोलना पड़ता है मैं एक निष्ठ हूँ। लेकिन आप कह रहे दिग्गज नहीं है, दिग्गज तो थे, मंत्री पद भी उनको मिल चुका है, महाराष्ट्र की सेकुलर आवाज उनको कहा जाता है। क्या मालूम क्या, मंत्री पद सैयद अली भाई साहब को भी मिला था, बरोबर, तो ऐसा नहीं है कि वो दिग्गज है चुन के, लेकिन मंत्री पद बहुत सारे ऐसे जो लोग है जो चुनके से आए हैं लेकिन उनको भी मंत्री पद मिला है, लेकिन वो दिग्गज उनको कहा नहीं जाता है। दिग्गज में कैसा है, छगन भुजबल देखो, प्रफुल्ल पटेल देखो, अजीत दादा देखो, ये अपने क्या नाम उनका, दिलीप बोलसे पाटिल देखो, ये सब जो बड़े बड़े जो है ना ऐसे, उनको दिग्गज बोला जाता है, इसको दिग्गज नहीं बोला जाएगा। अच्छा, आप पर भी कुछ लोग ऐसे है जो सवाल खड़ा करते हैं कि आप 2009 के चुनाव में विधायकी में आप सामने चुनाव लड़े थे, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं जाकर जितेंद्र रावत से समझौता हो गया था, तो लोगों का ऐसा कहना है कि अभी आप में और उनके बीच में जो है टकराव जरूर है, लेकिन चुनाव आने के टाइम हो सके आप भी जो है उनके साथ हो जाए जितेंद्र रावत के,
अभी जितेंद्र आउट के साथ में जाने का सवाल ही उठता नहीं। क्या मान लीजिए 2009 में मैं उसके सामने चुनाव लड़ा, मेरी पार्टी के हिसाब से मैं चुनाव लड़ा, मेरे हिसाब से मैं चुनाव में हार गया, मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं हार अपने स्वीकार किया था, मैंने कभी ये उसको ये नहीं किया, फिर भी मैं ताकत के साथ में अभी भी लड़ाई कर रहा हूँ उससे। लेकिन 2017 में मैं उसके साथ में जुड़ गया कि मैं ऐसा, मुझे बाहर से ऐसा दिखने में आता था कि वो कुछ विकास कर रहा है, लेकिन वो विकास कुछ करता नहीं, वो सब पोकल आश्वासन देता है। मैं बोला था ना बीच में, वो झूठा है, बोला झूठा है, वो किसी का नहीं है वो। तो अभी किस तरह से तैयारी कर रहे हैं आप, क्या फुल आपकी तैयारी है एकदम लड़ाई की? एकदम लड़ाई में तैयार है, एकदम तैयारी में कोई ये दोनों चुनाव महानगर पालिका, आप महानगर पालिका तो झांकी है, विधानसभा बाकी है, ऐसा बोला जाएगा आगे। तो आपने सुना कि राजन दादा जीने का साफ तौर पर कहना है कि अब कलवा मुमरा के जो विधायक है एनसीपी के जितेंद्र अवार्ड, आने वाले चुनाव में इनसे जो है कड़ा मुकाबला यहां पर होगा, और खास तौर पर मुमरा कलवा में भी जो है जिस तरह से एनसीपी की जो वोट बैंक है उसमें कहीं ना कहीं जो है अब शिंदे गुट और बीजेपी और कहीं ना कहीं अजीत पवार की जो एनसीपी है इसमें कहीं ना कहीं जो है अब शरद पवार की जो एनसीपी है इस पर जो है वोट का काफी असर पड़ेगा।